अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। काशी में सेठ बनारसीदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। क्या है बुढ़िया? सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी। इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आन दबाया। अंधी के संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी। दे दीजिए, बड़ी दया होगी। मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? नहीं तो, इस नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगे। जाती है या नौकर को बुलाऊं? अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया।
उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना ही ली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आँख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्या करूँ, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? जाओ कोई उस बुढ़िया को ले आओ। बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वो तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वो बच जाएगा। अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई, विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वो अपराध।
यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी बाहर निकलकर। फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।